ये कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूमकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लगी थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा वहां एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी को तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतज़ार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से ये हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।